Hey, what's up YouTube? Welcome back to my channel. This is me, Vikram. आज तबीयत थोड़ी डाउन है, बट मंडे है, चेस्ट का वर्कआउट है, सो करना तो पड़ेगा. और मैं अपर चेस्ट पे थोड़ा काम कर रहा हूँ अभी, क्योंकि लोअर और मिडल थोड़ी ठीक है, और अपर जो है वो भी ऑलमोस्ट ठीक है, लेकिन उतनी बढ़िया नहीं है, मतलब थोड़ी ढंग से दिखती नहीं है, तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ अभी. और उसके साथ में थोड़ा चेस्ट के साथ में थोड़ा ट्राइसेप कर लूँगा, है नहीं लेकिन एक्स्ट्रा करना पड़ता, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो कर लूँगा. सो अभी हो रहे हैं 3 बज रहे हैं दोपहर के, और अभी हम निकलेंगे, 1 घंटे बाद निकलना है हमको, तो थोड़ी देर बाद जाके प्री वर्कआउट लेना है, उसके बाद प्री वर्कआउट मील लेना है, देन उसके बाद निकलेंगे जिम के लिए. वर्कआउट दिखाऊंगा, उसके बाद का जो प्लान होगा उसके बाद में देखेंगे. सो एक और बात कहनी है कि कभी भी खुद को ना किसी के साथ कंपेयर मत किया करो, क्योंकि क्या है, अगर तुम किसी के प्रेजेंट टाइम को अपने प्रेजेंट टाइम के साथ कंपेयर कर रहे हो, और मेनली उसकी प्रेजेंट लाइफ की जो सक्सेस है उसको अपनी लाइफ से कंपेयर कर रहे हो, तो एक बार उसके पीछे की मैथ जो है कैलकुलेट करके देख लेना कि उसने जितना भी अभी तक काम किया, जितनी भी मेहनत करी है, उसका तुमने 5 से 10% भी अभी तक कुछ किया है या नहीं किया है, पहले ये देख लेना. उसके बाद ही खुद को कंपेयर करना किसी और को, उसके बाद ही किसी और के साथ खुद को कंपेयर करना, या अपने प्रेजेंट टाइम को कंपेयर करना किसी और की प्रेजेंट टाइम के साथ. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि जिससे तुम कंपेयर कर रहे हो उसने उतना टाइम अपना इन्वेस्ट किया उस चीज़ में, जिस चीज़ में आज वो है और जिस चीज़ में सक्सेसफुल है, जिसको देख के तुम कंपेयर कर रहे हो खुद को, तो उसने अब टाइम उतना मेहनत अपनी इन्वेस्ट करी उस चीज़ में और पेशेंसली उस चीज़ को अचीव किया, तो तुम सडनली कंपेयर करोगे और सोचोगे कि नहीं, उसकी लाइफ इतनी बढ़िया हो रखी है, मैं कैसे तुरंत आसान रास्ते ढूंढने लग जाऊँगी कि हाँ जल्दी से जल्दी मैं कैसे एक शॉर्टकट ढूंढ के, मतलब मैं जैसे अभी वो करेंटली जिस स्टेट में है उस स्टेट में मैं कैसे पहुंच जाऊंगा, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको टाइम लगा उतना करने में, उसने पेशेंस के साथ काम लिया है, धीरे धीरे करके वो वहाँ तक पहुँचा है जहाँ तक अभी है. तो कभी भी ऐसे कंपैरिजन मत करना, इससे कुछ नहीं होने वाला, अपना कॉन्फिडेंस और गिरा लोगे ज़मीन के नीचे, तो ये चीज़ मत करना, बहुत बेकार चीज़ है, तुम्हारे काम और बिगड़ जाएंगे, उसके काम कुछ नहीं बिगड़ने वाला जिससे कंपेयर कर रहे हो तुम, अपने काम बिगाड़ लोगे, अपना कॉन्फिडेंस गिरा लोगे और कुछ नहीं करने वाले, तो अपने माथे ख़राब करने वाले काम मत किया करो, बस इतना ही बोलना है मेरा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम 2-3 साल पीछे वाले अपने आप को देखोगे जाके, तो तुम 2-3 साल पहले भी, मतलब जैसे जिस स्टेट में थे, तुम उस टाइम पे सोचते होगे कि नहीं, मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा मैच्योर मैं इस टाइम पे हूँ, और सबसे ज़्यादा अच्छा मैं इस टाइम पे हूँ, इससे पहले मैं बेकार दिखता था या बातें नहीं करता था अच्छे तरीके से, या जो भी हूँ इस टाइम पे मैं थोड़ा अच्छी स्टेट में हूँ, ये सोचते होगे. लेकिन 2 साल बाद तुम आज अगर अपने उस वाले सेल्फ को पीछे देखोगे जाके, तुम्हें लगेगा कि यार मैं तो मतलब क्या चूतिया लग रहा था उस टाइम पे, कैसे दिखता था, कैसे बात करता था, कैसे रहता था, मतलब सारी चीज़ें. तो ये चीज़ है, तो कभी भी ना ये मत सोचना कि हाँ मैं अभी परफेक्ट हूँ, ये चीज़ कभी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम जितना टाइम के साथ आगे बढ़ते जाओगे, धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो चेंज होती जाएगी और टाइम के साथ बेटर होते जाओगे, कभी भी एक जैसे नहीं रहेगा, और धीरे धीरे टाइम के साथ चेंज होते जाओगे, और वो चीज़ ज़रूरी भी है, तो वो चीज़ कभी नेगलेक्ट मत करो और रहो ना आराम से. क्या चीज़ है, अपना कॉलेज जाओ, खाना पीना खाओ, जिम करो, जॉब करनी है जॉब करो, जो करना करो, इतना फालतू का सोच के क्या फ़ायदा, किसी से कंपेयर करके खुद को क्या मिलेगा तुमको, कुछ नहीं मिलने वाला. कंपेयर करके कौन सी उसकी सक्सेस तुम्हें मिल जाएगी, तो मत करो ये सब चीज़ें, मैं कर चुका हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है सब चीज़ का. सो जैसे जैसे चेंज होगा, तुम्हें पहले से बेहतर चीज़ें मिलेंगी, पहले से बेहतर एनवायरनमेंट मिलेगा, पहले से बेहतर लोग मिलेंगे, तो कभी भी किसी एक चीज़ पे स्टिक करके अटक के मत रहो कि हाँ मेरे को इससे बेटर चीज़ अब मिल ही नहीं सकती, तुम्हें उससे बेटर सिचुएशन मिलेगी, उससे बेटर लोग मिलेंगे. तो एक इंसान पे कभी भी अटक के मत रहना कि हाँ मेरे को इससे अच्छा कोई फ्रेंड नहीं मिलेगा, इससे अच्छा कोई, समझ रहे हो, इससे अच्छा कोई इंसान नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ नहीं है. जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो उससे बहुत ज़्यादा बढ़िया मिलेगा, दुनिया में हजारों करोड़ों लोग हैं, तो एक इंसान के पीछे अटक के अपना टाइम बर्बाद मत करो, क्योंकि वो नहीं कर रहा, समझ रहे हो. तो अपना काम करो, अपने से मतलब रखो,
नहीं नहीं कह रहा दोस्ती मत बनाओ, लेकिन जो लोग तुम्हारे दिमाग में नेगेटिविटी भर रहे हैं ना उन लोगों से बिल्कुल ही कट ऑफ कर लो। जो चीज़ जो लोग तुम्हें पॉजिटिव वाइब दे रहे हैं उनको अपने साथ रखो, और जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं तुम्हारे दिमाग में जिनकी बातों से तुम बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हो, तो देखो अभी क्या है उनसे बात करके सॉल्व करके सिचुएशन हटा के किसी के साथ अच्छा रिलेशन बनाने का अभी तो ना अपने पास टाइम है नहीं। अभी अपने पास 2 से 3 साल 4 साल मैक्सिमम है, उसमें ही कुछ करना है, तो अभी वो टाइम नहीं है। तो वो सारे लोगों को गोली मारो और आगे बढ़ो, बहुत लोग मिल जाएंगे यार आगे, एक इंसान के पीछे फंस के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है चलो प्री वर्कआउट लेते हैं, चलते हैं प्री वर्कआउट मिल लेंगे, उसके बाद निकलेंगे जिम के लिए, तो जिम में मिलेंगे और जिम के बाद मिलेंगे। और वीडियोज़ अगर आपको ठीक लगती हो अच्छी लगती हो तो लाइक कर दिया करो, और बस और क्या चाहिए। चलो जिम में मिलेंगे, सी यू। मौसम न्यूट्रल हो रखा है अभी, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, चल रहा है बस चल रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। किसी दिन इतना ठंडा हो जाता है कि एकदम फुल टी शर्ट पहननी पड़ती है, किसी दिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है हाफ में भी हालत ख़राब है। तो मौसम भी आजकल चूतिया हो गया है हमारी तरह, उसको गोली मारो, अपना काम करते हैं। चलो सी यू इन द जिम।